आज इटावा जनपद के पूरे कस्बे और शहर से उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने 27 सितंबर की रात में गोरखपुर में जिस तरह से हमारे कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता जी के साथ पुलिस ने बर्बरता सातर अपराधी की तरह उसको मार मार कर हत्या कर दी, उसके विरोध में और पूरे जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में किसी से छुपा नहीं है कि थाने चौकियों की पुलिस की क्या हाल है। भला आदमी थाना चौकी जाने में डरता है, पुलिस को पावर है थाना चौकी पहुंच जाए उसके बाद बिना उनकी मर्जी के वापस नहीं आ सकता। हमारी माननीय योगी जी से मांग है कि आपकी सरकार में हर वर्ग प्रसन्न है, लेकिन पुलिस प्रशासन बेलगाम है, इसमें कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है। व्यापारी भयभीत है, जिस तरह से अपराधी भयभीत हैं, लेकिन आम नागरिक और व्यापारी पुलिस से भयभीत है कि कब किस झूठे मुकदमे में फंसा दे। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि गोरखपुर में हमारे निर्दोष व्यापारी के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण उसकी हत्या की गई, उसकी हम सब इटावा व्यापार मंडल घोल निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि कोरोना काल में जिस तरह से व्यापारी समाज ने जिला प्रशासन के साथ पीड़ित लोगों की दुकान खोलकर मदद की और उस बहाने से पुलिस ने स्थानीय पुलिस ने हमारे व्यापारियों का कितना शोषण उत्पीड़न किया, उसी के मद्देनजर आपको एक बात बता दें कि हमारे शहर के थाना कोतवाली के अंतर्गत बरसों पुरानी एक किराना दुकान विनीत ट्रेडर्स के नाम से है, बड़ी प्रतिष्ठित फर्म है, भले लोग हैं और वहाँ उस समय चौकी इंचार्ज मिलन सोरोई ने उन व्यापारी भाइयों दोनों पर कोतवाली ले जाकर संगीत धाराओं में जो मुकदमा दर्ज कराया और उसी आधार पर आज 3-1 गुंडा एक्ट की कार्रवाई, सारा परिवार परेशान है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ रोकी जाएं, पुलिस भले आदमी को अपराधी बना रही है, गुंडों पर लगाम लगाई जाए, भले लोग भयभीत हैं पुलिस से, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर कोई जरूर से एक्शन लेना चाहिए, इस तरह की पुनरावृत्तियाँ ना हो। कई मांगे 10 मांगे हैं, हम अपने मांग पत्र में मैंने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आपको प्रेषित किए हैं, जरूर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर व्यापारी समाज को राहत दें। व्यापारी समाज बरसों से भाजपा का समर्थक रहा है, लेकिन अपनी ही सरकार में सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित है, मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है। मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था सुधारें, अपराधी तो भयभीत हैं लेकिन जो कानून के रक्षक हैं वो कानून के बच्चक बन रहे हैं, इसलिए अभी समय है, 2022 आने वाली है, इन पर लगाम लगाएं, अपराध जो अपराध करें उस पर कानून का शिकंजा कसा जाए, निर्दोषों को न फंसाया जाए।